हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की वीडियो में हम लोग इंस्टॉल करेंगे एक और ट्रैक्टर हमारे GDA5 में। तो जो आज का हमारा ट्रैक्टर होने वाला है वो है न्यू होलैंड की तरफ से। तो मैं आ जाता हूँ अपने मोड्स के फोल्डर में और यहाँ पे ये मेरे ट्रैक्टर की जो फाइल है 3630 की, इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो इस मोड का जो लिंक है वो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक है, आप लोग चेकआउट कर लेना। और इस मोड को बनाया है गेमर एक्स ने। तो हम यहाँ से इस फोल्डर को कॉपी करते हैं जिसके अंदर है हमारी DLC फाइल है। इस फोल्डर को हम कॉपी कर लेंगे और अपने GDA5 में चले जाएंगे। और इसका जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो बहुत ईजी है। आपको मोड्स का फोल्डर लगेगा, आपका GDA5 मोडेड होना चाहिए, स्क्रिप्ट हुक वी डॉट नेट और गेम कॉन्फ़िग फाइल, ये तीनों ही फाइल लेटेस्ट होनी चाहिए और आपके पास ओपन आई भी होना चाहिए और ऑब्वियसली ये मोड तो होना ही चाहिए। तो इन सभी के जो लिंक हैं वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सभी वीडियोज आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, या देख लेना। तो मैं यहाँ पे मोड्स के फोल्डर में आ जाता हूँ, इसकी वीडियो भी ऊपर आई बटन में मिल जाएगा आप लोगों को, अपडेट X64 और यहाँ पे DLC पैक्स, और इसके अंदर हम करेंगे अपने फोल्डर को पेस्ट कंटिन्यू। और ये यहाँ पे आ चुका है 3630, ठीक है, आप लोग देख सकते हो ये यहाँ पे आ चुका है। तो मैं इसको करूंगा मिनिमाइज, यहाँ से बंद नहीं करना है, और मैं अपना ओपन फोर ओपन कर लेता हूँ अब। तो मेरा ओपन फोर ओपन हो चुका है, यहाँ से मैं एडिट मोड को ऑन करूंगा यहाँ से, यस। और इसके बाद मोड्स के फोल्डर में अपडेट अपडेट डॉट RPF कॉमन डाटा, और सबसे नीचे DLC लिस्ट डॉट XML, एडिट मोड में इसको ओपन करेंगे और सबसे नीचे चले जाएंगे और एक कमांड लाइन को यहां से करेंगे हम कॉपी और अपने कर्सर को रखेंगे सबसे एंड में और एंटर प्रेस करके एक और लाइन क्रिएट करेंगे और यहां पे उस लाइन को करेंगे पेस्ट। और अब हम अपने उस फोल्डर में आ जाएंगे जहां पे हमने अपना जो फोल्डर है या फिर मोड है वो इंस्टॉल किया है, यानी कि DLC पैक्स में। आप लोग यहाँ से लोकेशन देख सकते हो इसकी। तो मैं इसको यहाँ से रिनेम करता हूँ 3630 को, और इसका जो नेम है वो कॉपी कर लेता हूँ। और अब मैं आ जाऊंगा अपने DLC लिस्ट डॉट XML में, और यहाँ पे जो हमने सबसे लास्ट में जो लेटेस्ट जो कमांड लाइन कॉपी पेस्ट की है उसमें हम सेंटर में डबल क्लिक करेंगे जहां पे ये नेम है, और यहाँ पे मैं उस नेम को पेस्ट कर दूंगा 3630, जो कि हमारे उस फोल्डर का नेम था। अब हम इसको करेंगे यहाँ से सेव और सारी चीजों को बंद कर देंगे, और अब हम आपको मिलेंगे अपने GDA5 में। तो फाइनली गाइज, हम लोग आ चुके हैं अपने GDA5 में, और अब मैं यहाँ से अपना मेनू ट्रेनर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं आ जाऊंगा व्हीकल ऑप्शन में, व्हीकल स्पॉनर में, और सबसे एंड में आ जाऊंगा इनपुट मॉडल में 3630 और प्रेस एंटर, ठीक है, और F8 करके इसको एक बार बंद करूंगा। और ये हो गया हमारा न्यू होलैंड 3630, ठीक है। और अब हम इसका जो पेंट है वो चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आ जाऊंगा अपने मेन्यू ट्रेनर में एक बार फिर से, बैक मेन्यू कस्टम, और पेंट में सबसे पहले प्राइमरी कलर में मेटेलिक में, और इसका जो कलर है वो हम करेंगे ब्लू, और हम लोग करते हैं इसका कलर ब्लू, आई थिंक यही कलर होगा। तो हाँ यही कलर है, ठीक है। और अब हम आ जाएंगे सेकेंडरी कलर में, सेम वही मेटालिक, और इसका भी हम कलर ब्लू करेंगे, और मैं इसका कलर करता हूँ ब्लू कलर, हम लोगों ने इसका कर दिया है। और अब हम आ जाएंगे बैक और व्हील्स कलर में आ जाएंगे, और ये हमें करना है फोर्स वाइट या फिर आइस वाइट, दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फोर्स वाइट करो,
जो ये इस वक्त मैंने कर रखा है, दैट्स ग्रेट अमेजिंग एंड बहुत प्यारा। ठीक है, तो अब जो हमारा ट्रैक्टर का लुक है वो आप लोग देख सकते हो। मैं एक बार आपको इसका चारों तरफ का लुक दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मेरे हिसाब से दैट्स इनफ। बड़ा प्यारा लुक है इसका। न्यू हॉलैंड 3630। तो इसको आप लोगों ने कैसे इंस्टॉल करना है वो आपको पता ही होगा, मैंने सिखा दिया इस वीडियो में। और इस मोड का जो लिंक है ना वो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिलेगा। इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो इसके साथ आपको कुछ एक्स्ट्रास भी मिल जाते हैं, वो आप मेनू ट्रेनर में जाके, मेनू कस्टम्स में जाके देख सकते हो आराम से, इजीली कवर कर सकते हो उनको। सभी व्हीकल्स के साथ आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रास मिल ही जाते हैं। तो इस मोड का जो क्रेडिट जाता है वो सारा का सारा गेमर एक्स को जाता है। उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट ये सबको प्रोवाइड किए हैं ये। तो ये जो मोड है उनके डिस्कॉर्ड सर्वर पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मैं भी प्रोवाइड करवा दूंगा। लिंक आपको मिल जाएगा और मैसेज का रिप्लाई आपको तुरंत मिले ना मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। तो थोड़ा सा बी पेशेंट यार, थोड़ा सा पेशेंस रखना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।